करने के लिए आप अपने आप को तैयार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आजादी साबत पर कदगन, आजादी साबत पर मीडिया पर गैर लानिया सेंसर शेप। आज सर मुख्यमंत्री तारुफ अपना कराएंगे जी। रजा रहमान सदर कोयटा प्रेस क्लब। मैं जो मुल्क के अंदर आज तहरीक का आगाज़ हुआ है, जो सहाफ़त जिसे चौथा सतून कहा जाता है रियासत का, आज वो लोग सड़कों पे निकल आए हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान में, पंजाब है, सिंध है और साथ ही केपीके है, तो यहाँ पर जो है आज से इसका एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ किया गया है, जिसे आज़ादी सहाफ़त बचाओ तहरीक का नाम दिया गया है। आज इस तहरीक को, ये जो तहरीक शुरू की गई है, ये एक तो गैर एलानिया अखबारात और टीवी चैनल्स पर गैर एलानिया जो हमारी सेंसरशिप हो रही है उसके ख़िलाफ़ है, और साथ ही साथ अखबारात और चैनल्स के अंदर जो इश्तियारात की बंदिश की गई है वो है, और तीसरी बात इन दोनों इकदाम जो हुकूमती इकदाम है उसकी वजह से जो है वो हमारे वर्कर्स को जो जबरी बरतरफियाँ की जा रही हैं, उनका माशी कत्ल किया जा रहा है, तो वो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी इसलिए हासिल करेंगे कि आज हमें तमाम जो सियासी जमातें हैं मुल्क की उनकी हमायत हासिल है। वकला जिन्होंने हमेशा जो है वो एक स्ट्रगल की है और मुल्क में जमहूरियत के लिए उनकी एक जदोजहद है, उसकी एक तारीख है, तो वो भी आज हमारे साथ हैं। दीगर सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें वो भी हमारा साथ दे रही हैं, तो ये कारवां आज से इसका आगाज़ हुआ है, तो ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये कारवां जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचेगा। और हुकूमत से भी मेरी ये गुजारिश है, मैं हुकूमत को भी ये मशवरा देता हूँ कि वो इसका तदारक करे, होश के नाखून ले, और ये जो गैर एलानिया सेंसरशिप है या अखबारात या टीवी चैनल्स में जो इश्तियारात की बंदिश है इसका खात्मा करे। जब वो ये इकदाम करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे जो बरतरफियाँ हो रही हैं हमारे जो वर्कर्स हैं उनके साथ, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और उनको भी बहाल कर जाएगा। जब माशी तौर पर बेहतरी आएगी तो हमें उम्मीद है कि ये जो मामला है ये दुरुस्त हो जाएगा, तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो उसे फौरी तौर पर सोचना चाहिए और मुसबत जो है इकदाम उठाने चाहिए। बंद है, उनको भी इसी मुश्किल का सामना है कि उन्हें एक अनविजिबल सेंसरशिप का सामना है कि आप जो है ये खबर नहीं छापेंगे, अगर आपने खबर छाप दी है तो अगले दिन आपके इश्तहार बंद हो जाएंगे। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।